Now we have the question number 25. Which of the following lenses L1, L2 and L3 will you select as objective and eyepiece for constructing best possible telescope microscope? Give reason to support your answer. सबसे पहले हम यार पावर लिख लेते हैं. लेंस 1, लेंस 2 और लेंस 3. यहाँ पावर 6 डायप्टर है, लेंस 2 की 3 डायप्टर है और लेंस 3 की जो पावर है वो है 10 डायप्टर. चलिए, और अपर्चर के कॉलम की जरूरत नहीं है, उसको आप इग्नोर कर दीजिए. उससे हम डिसाइड नहीं करते हैं कि लेंस करते हैं, पर इसी से डिसाइड किया जाता है अल्टीमेटली. सो हम देख सकते हैं, अगर हम टेलीस्कोप की बात करें, सबसे पहले टेलीस्कोप केस ले लेते हैं. पूछा भी वही गया है पहले. इन टेलीस्कोप जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो होता है माइनस का 4/φ. और अगर पावर के फॉर्म में लिखा ज़्यादा सही रहेगा, हम तुरंत आंसर दे पाएंगे. तो यानी कि जिसकी पावर सबसे कम हो उसे आप ऑब्जेक्टिव बना लें. तो यहाँ पे कौन रहेगा? L2. सो L2 एज ऑब्जेक्टिव. और जिसकी पावर सबसे ज़्यादा उसे आईपीस बना लें, तो L3 एज आईपीस. ख़त्म. ठीक है, अब बता 30 सेकेंड. ये हमारा माइक्रोस्कोप है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है माइनस का L/F0 1+D/FE. इसको पावर फॉर्म में लिख लो, इजी रहेगा. L/P0 1+DPE. यहाँ पे दोनों ही जो हैं पावर ज़्यादा होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव की भी और आईपीएस की भी. बट इसका भी ध्यान रखें कि ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस हैज लेसर पावर देन दी आईपीस. तो हमारे पास देखिए लेसर, एक तुम्हारे पास 10 है, तो आईपीस की हो जाएगी, यानी कि L3 जो है यूज एज आईपीस, क्योंकि सब दोनों की ज़्यादा होनी चाहिए और उसमें भी आईपीस की हमेशा पावर ज़्यादा होती है. तो L3 इज यूज एज आईपीस और जो L1 है इसके बाद L1 का नंबर आता है यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव.